तो फिर ये जो क्लिप आप लोग देख पा रहे हैं, ये इस क्लिप में मैं अपने हिंदी के एग्ज़ाम को बस ख़त्म कर ही रहा था। आप देख ही पा रहे हैं मैं लिख रहा था आखिरी का निबंध। तो फिर अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11:57 पे। तो आज का जो ब्लॉग होने वाला बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो प्लीज इस ब्लॉग के साथ जरूर बने रहिएगा। आपने देख ही लिया होगा कि मैं अपना एग्जाम एंड कर रहा था, मतलब आज मेरे एग्जाम्स फाइनली खत्म हो चुके हैं, जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। अभी मेरी मम्मी क्लास ले रही है, तो अब मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी मम्मी को दाल चावल लगा के एक सरप्राइज दे दूँ। तो फिर चलिए हम अब लोग दाल चावल लगाते हैं। तो देखिए, अब जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे किचन में आ चुका हूँ, लाइट चालू कर लेता हूँ। अब मैं दाल चावल के बर्तन निकाल लेता हूँ। ये देखिए दाल चावल का बर्तन है, यहाँ पे दाल का बर्तन ये रहा। तो अब मैं फटाफट दाल चावल लगा लेता हूँ। तो फिर ये देखिए, मैंने दाल चावल निकाल लिया है और अब मैं इसको पानी से धो दूंगा। तो फिर ये देखिए, अब मैं दाल चावल धो रहा हूँ। अब मेरा दाल चावल धोना हो गया है, अब मैं फटाफट कुकर लगा लेता हूँ। फिर अब मैं इस दाल में थोड़ी सी हल्दी डालूंगा। और अब मैं हींग डाल देता हूँ थोड़ा सा। वैसे मुझे उतना एक्यूरेटली पता नहीं है मम्मी कितनी डालती है, पर फिर भी मैंने मम्मी को बहुत बार देखा है, इसीलिए अब मैं थोड़ा अंदाज से इसमें डाल दे रहा हूँ। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगा पीने का और फिर इसको कुकर में लगा दूंगा। तो मम्मी शायद इतना ही डालती होगी पानी। अब मैं चावल में डाल देता हूँ पानी। थोड़ा सा और पानी लगेगा, थोड़ा सा और पानी ले लेता हूँ। ये देखिए, ये मैंने पानी ले लिया है, अब मैं इस पानी को भी डाल देता हूँ। हाँ, अब ये बराबर हुआ है। तो अब मैं जल्दी से जाके ढक्कन ले आता हूँ इसके। तो फिर ये देखिए, मैं इसके दो ढक्कन ले आया हूँ। अब मम्मी शायद दाल को नीचे रखती है, तो दाल को मैं यहाँ पे ऐसे नीचे ऐसे रख दूंगा, ऊपर चावल रख देता हूँ और फिर कुकर को गीला करके, गीली रिंग करनी पड़ती है गाइस, तो इसको गीला करूंगा और फिर मैं गैस जला लूंगा लाइटर से। ये मैंने गैस जला लिया है और मैं जल्दी से इस कुकर के ढक्कन को बंद करके इसको चढ़ा देता हूँ और अब इसको 4 सीटी तक पका दूंगा। तो अब मेरा कुकर लग चुका है। अब देखेंगे जब कुकर हो जाएगा तो मम्मी का रिएक्शन कैसा रहने वाला है। तो फिर गई शायद तक मेरी मम्मी की अब क्लास हो चुकी है, तो चलिए देखते हैं क्या मेरी मम्मी की क्लास हो गई है। हाँ हाँ हाँ, मम्मी आपकी क्लास हो गई है ना? जस्ट हुई है क्लास। तो मम्मी, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रखा है। क्या सरप्राइज रखा है? अब वो आप सोचो। हाँ? आप सोचो क्या सरप्राइज। हाँ? कुछ भी सरप्राइज रखा है, आप बताओ जरा क्या हो सकता है। क्या किया है? मैंने और मम्मी आपके लिए दाल चावल लगा दिया है। कुकर लग गया? हाँ, दाल चावल लग गया। हाँ, वाह मेरा बेटा, मेरा बच्चा, बढ़िया, फर्स्ट टाइम दाल चावल लगाया है। अब आपको कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। मम्मी रिलैक्स हो गया, मेरा वैसे भी हाथ दुख रहा है, तो मेरे बेटे ने चलो उसके लिए दाल चावल लगा दिया बिना पूछे, वो भी बिना पूछे, पता नहीं क्या किया होगा। अब पता नहीं पानी ज्यादा हुआ है, पानी कम हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। कुकर होने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ मम्मी, अब देखते हैं ना, कुकर होने के बाद आप टेस्ट करके बताना कैसा बना है दाल चावल। बताएंगे टेस्ट करके कैसा बना है, क्या बना है। तो मम्मी अब देखते हैं दाल चावल कैसा बना है। कुकर जब होगा उसके बाद पता चलेगा कि इसने क्या गुल खिलाए हैं। तो फिर गाइस, अब मेरे को अपने अंकल के साथ जाना है वहाँ स्कूल, तो अब मैं फटाफट नहा के तैयार हो जाता हूँ। तो
फिर अब मैं अंकल के पास पूछने जा रहा हूँ कि वो क्या मेरे साथ स्कूल चलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में मेरे को अपना जो आज की जो आंसर शीट है वो मेरे को जमा करने जानी है। तो फिर चलिए अब मैं नीचे आता हूँ और फिर पूछ लेता हूँ अंकल से कि वो चलेंगे कि नहीं। तो फिर चलते हैं नीचे। तो फिर अब मैं ऊपर आ रहा हूँ और अंकल ने बोल दिया है हाँ तैयार हो जाओ। तो अब मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ, नहा वहा के धो के मस्त रेडी हो जाता हूँ और फिर मैं जाता हूँ स्कूल और फिर आपसे आने के बाद मिलता हूँ। तो फिर गाइस अब मैं वापस आ चुका हूँ घर कॉपी जमा करके और मेरे को बहुत ज्यादा टाइम लग गया। तो ये देखिए मेरी मम्मी ने यहाँ पे खाना खा लिया है। खा लिया है ना मम्मी पक्का? तो अब मम्मी का खाना तो हो चुका है, तो अब मैं खा रहा हूँ दाल चावल और ये सब्जी और हरी वाली चटनी जो तीखी वाली रहती है जो बहुत टेस्टी रहती है। तो अब दाल चावल बिल्कुल सही बना था, दाल चावल सही बना था, मतलब बिल्कुल सही बना था, क्वांटिटी वगैरह मतलब सब बिल्कुल परफेक्ट लगाया था। तो यार अब आपको पता ही है कि कितना टेस्टी दाल चावल मैं बनाता हूँ। तो मम्मी आपसे रोज लगाया करूंगा क्या दाल चावल? एग्जाम तो खत्म हो गई है तो अब थोड़ा टाइम मिला तब लगा लिए फिर। अरे अब एग्जाम तो खत्म हो गए तो टाइम तो टाइम ही टाइम है अब तो अपने पास। तो अब मैं अब से मैं दाल चावल लगातार रोज चालू कर ही देता हूँ। तो फिर यार अब मैं खाना खाता हूँ और खाना खाने के बाद मैं सो जाऊंगा। तो गाइस आज आपको पता ही होगा कि जैसे वर्ड स्लीप डे है तो स्लीप है डे है तो स्लीप अपन भी करेंगे ना थोड़ी देर। तो अब मैं सोऊंगा फिर उसके बाद उठ के आपसे मिलता हूँ। तो फिर अब मैं सो के उठ चुका हूँ, वर्ल्ड स्लीप डे मना के उठ चुका हूँ। तो अब मैं तो बनाऊंगा चाय मम्मी के लिए फिर से। तो अब मैं चाय बनाता हूँ और मम्मी को भी चाय देता हूँ और फिर हम दोनों चाय पीते हैं। तो मम्मी का तो जैसे आपने पिछले वीडियो देख लिया था हाथ दुख रहा है, तो मम्मी जाएगी फिजियोथेरेपी कराने। तो फिर उसके बाद मम्मी घर आएगी, फिर देखते हैं हम लोग क्या करने वाले हैं। देखिए ये मेरी मम्मी है, अभी इनका हाथ दुख रहा है ना मम्मी, तो अब मम्मी का हाथ दुख रहा है तो अब मम्मी फिजियोथेरेपी कराने जा रही है। तो अब मम्मी जा रही है तो अब घर में तो मैं अकेला ही हूँ, तो अब तो मेरे को करनी पड़ेगी एडिटिंग। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। तो अगर आपको मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे इस व्लॉग और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना और बेल आइकन की घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज़।